हाई गाइज बोथ सब वेलकम बैक टू टूडेज वीडियो दिस इज सोनिया एंड यू आर वॉचिंग सोविक्स ब्लॉग सो गाइज आज की जो वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट नर्सिंग आज हम बात करने वाले है नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया की कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के नर्सिंग का कोर्स करेंगे और इसके क्या क्या फ्यूचर के बेनिफिट होते हैं सो so गाइज क्या है ना देखो नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब है ये एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पर जो एवरी टाइम डिमांड में रहा है और इन फ्यूचर भी यहाँ पर डिमांड में ही रहने वाला है देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं दैट इज मोर देन फिफ्टी और सिक्सटी ईयर ऑफ एज तो इसीलिए यहां पे क्या होता है ना कि ऐसे लोग जैसे कि एज केयर वर्कर हो गए या नर्सिंग वाले हो गए तो इन लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पर ना डिमांड रहती है हमेशा से ही और नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है यहां पर जो कि अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी जो पीआर है उसके चांसेस बिल्कुल 100 परसेंट ही मान लीजिए बिकॉज अभी तक मैंने यहां पर ऐसा कोई केस देखे नहीं सुना है जिन्होंने यहां से नर्सिंग की हो और उनकी जो पीआर है वो रिजेक्ट हुई हो या उन्हें पीआर नहीं मिली हो ये एक ऐसा कोर्स है जिसे अगर आप कर लेते हैं ना तो आपकी पी भी फॉर श्योर हो ही जाएगी नाउ गाइज अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना आप नर्सिंग कैसे कर सकते हैं तो देखिए नर्सिंग करने के लिए अगर आप चाहें तो आफ्टर ट्वेल्थ आप यहाँ पर बैचलर्स के लिए आ सकते हैं आप बैचलर ऑफ नर्सिंग ले सकते हैं एंड अगर आप चाहें कि आपने इंडिया से बैचलर्स कर रखी है तो फिर आप यहाँ पे मास्टर्स भी कर सकते हैं या फिर आप जो अपनी डिग्री है उसको यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं एंड देन जो उसका फर्दर प्रोसेसिंग है वो आप कर सकते हैं तो अभी मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर जो नर्सिंग होती है ना वो क्या है यहाँ पे दो टाइप के नर्सेस होते हैं एक यहाँ पर होती है एनरोल्ड नर्स एक होती है यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स तो सबसे पहले इनका डिफरेंस समझते हैं कि क्या डिफरेंस है तो देखिए एनरोल्ड नर्स वो होता है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग की है तो उस केस में आप बनते हो एनरोल नर्स और ये जो डिप्लोमा होता है ये होता है डेढ़ साल से लेकर के दो साल के बीच का और अगर इसकी फी की बात करें तो इसकी फी होती है बारह हजार से लेकर के बीस हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास और वहीं अगर आप बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करते हो तो उसके बाद आप बनते हो रजिस्टर्ड नर्स बैचलर ऑफ नर्सिंग जो है वो थ्री टू फोर इयर्स की होती है इट्स डिपेंड कि आप जो है वो uh, कौन से यूनिट्स ले रहे हो उसके अंदर बैचलर ऑफ नर्सिंग की अगर हम फी की बात करें तो देखिए इसकी जो फी होती है वो थर्टी थाउजेंड से लेकर फोर्टी थाउजेंड तक के बीच में होती है इट्स अगेन डिपेंड कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं अगर मैं डेकि यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसमें बैचलर ऑफ नर्सिंग की जो पर ईयर की फी है दैट इज थर्टी तो दैट्स एंड आई टोल्ड यू कि इट्स डिपेंड कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बट गाइज स्कॉलरशिप के भी चांसेस होते हैं नर्सिंग में और लोगों को फिफ्टी परसेंट ऑफ तक की भी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है तो जब भी आप नर्सिंग का कोर्स अप्लाई करते हो तो मेक श्योर sure आप जरूर चेक करें कि वो जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसमें स्कॉलरशिप के क्या क्या ऑप्शन है देखिए स्कॉलरशिप आपको जो भी मिल जाए ना आपके लिए बेटर है टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ जो भी आप लोगों को मिल जाए ना दैट इज गुड फॉर यू क्योंकि आई नो कि इनिशियल में जो ये फी है वो बहुत ज्यादा लगती है और पे करना थोड़ा सा टफ रहता है गाइस देखिए वैसे तो नर्सिंग यहां पर कोई भी कर सकता है इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से ही हो तभी आप नर्सिंग करें अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो भी आप नर्सिंग कर सकते हैं बट इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है और फिर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपके जो वीजा वगैरह के चांसेस होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और फिर अगर आप यहाँ पे नर्सिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीजा नहीं मिलेगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें की वीजा जो है वो मिल जाता है अगर वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी हैं पर उस केस में क्या होता है ना कि आप लोगों को अपना जो एसओपी प्रिपेयर करना होता है ना वो थोड़ा आपका स्ट्रांग होना चाहिए और आप लोगों का एक्चुअली जीटी इंटरव्यू जो होगा ना वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि उसमें देखिए जो मेन क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछा जाएगा कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के होते हुए भी नाउ व्हाई यू वांट टू डू नर्सिंग राइट तो उस केस में आप लोगों को अपना पॉइंट जो है ना वो जस्टिफाई करना होगा कि क्यों आप करना चाहते हैं तो आपको वो चीज स्ट्रांगली प्रिपेयर करनी होगी और फिर देखिए इसके लिए अगर कोई बहुत अच्छा एजेंट आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है और अगर आप खुद अपना स्ट्रांग एसओपी लिख सकते हैं और आप यू you नो know, उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपने आंसर्स के थ्रू कि भाई आपका जो भी मान लीजिए कोई पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से आपने पहले नहीं की थी या कोई फाइनेंशियल रीजन था या जो भी आपके रीजन है तो आप लोगों को बस ये होता है कि वो इंटरव्यू क्लियर करना होगा एंड देन आप लोगों का जो है नर्सिंग में एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज नर्सिंग में देखिए डिमांड बहुत ज्यादा है इसलिए चांसेस भी एडमिशन के जो है ना वो ज्यादा होते हैं बट गाइज एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ नर्सिंग इज नॉट एन ईजी जॉब ठीक है ना आ, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हाँ हम लोग नर्सिंग कर लें बट नर्सिंग एक्चुअली हर कोई नहीं कर सकता है ना बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू डील विद द पेशेंट और uh, आपको ब्लड यू नो डील करना होता है आप लोग जानते हैं नर्सिंग में क्या क्या काम होते हैं तो ऐसे काम हर कोई नहीं कर सकता है एक्चुअली तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है नर्सिंग में ठीक है तो ही अगर आप नर्सिंग चूज करें तो दिस इज गुड फॉर यू बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप आते हैं आपने स्टार्ट किया शुरुआत में आपने ठीक है देखा कि भाई हाईएस्ट पे रेट है और यू नो चांसेस पीआर के बहुत ज्यादा है और यहाँ आने के बाद आप लोगों को लगा कि नहीं भाई ये तो वो काम है जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता मैं नहीं टेक केयर कर सकता इन सारी चीज़ों को यू नो पेशेंट और वो यू नो हॉस्पिटल की स्मेल बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली बिकॉज पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए दिस इज वेरी टफ मैं मेडिकल uh, प्रोफेशन में इसीलिए गई भी नहीं कभी और मैं सोच भी नहीं सकती एक्चुअली क्योंकि मुझसे ये चीज़ें हैंडल नहीं होती है तो इसीलिए बोल रही हैं कि देखिए इट्स अ गुड प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है लेकिन अगर आप कर सकते हैं और आप सीरियसली करना चाहते हैं तभी आप नर्सिंग के लिए ट्राई कीजिएगा सो so गाइज अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए नर्सिंग के लिए आप लोगों का एक तो ये कि मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए जो इनके रिक्वायरमेंट में आता है अगर आप नॉन मेडिकल से भी हैं तो देखिए कर सकते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लेकिन ये कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके ट्वेल्थ में मिनिमम सिक्सटी होने चाहिए ये इनकी रिक्वायरमेंट है अगर मिनिमम सिक्सटी है देन यू आर एलिजिबल आयल्स में आप लोगों का सेवन इंच होना चाहिए और पीटीई में आपका जो है ना सिक्सटी फाइव ईच होना चाहिए एक चीज और है गाइस कि आप जब यहाँ पर यू नो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं ना नर्सिंग के लिए तो देखिए इन फ्यूचर ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो यूनिवर्सिटी थी वो लेवल वन यूनिवर्सिटी थी या लेवल टू यूनिवर्सिटी थी आपका सिर्फ फाइनल जो है ना डिग्री देखी जाएगी कि हाँ भाई आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग की है इट्स हार्डली मैटर कि आपने किस लेवल की यूनिवर्सिटी से किया उससे आपकी जॉब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और न ही ये इफेक्ट जो है ना आपकी पीआर पर पड़ने वाला है अब अगर नर्सिंग की स्टडी की बात करें तो देखें यहाँ पे क्या होता है कि हर सेमेस्टर में जो है ना आप लोगों के फोर सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट uh, में आप लोगों को थ्री टू फोर असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट करने पड़ते हैं और ये जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है ना कुछ तो आपके ग्रुप असाइनमेंट होते हैं और कुछ होते हैं इंडिविजुअल असाइनमेंट और साथ ही साथ आपको हर सेमेस्टर में जो है ना आपका जो वर्क प्लेसमेंट है वो भी होता है और उसके भी जो आर्स uh, है ना वो आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं और ये जो आप लोगों के प्लेसमेंट होते, होते हैं ना ये अनपेड होते हैं ठीक है आप इसके अलावा काम कर सकते हो एंड वन मोर थिंग कि जब आप अपने फर्स्ट ईयर में होते हो तो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से ही आप लोग काम जो है वो कर सकते हो और ये भी जो यू नो अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को काम करने की और इसमें अगर पेरियड की बात करूं तो लगभग थर्टी डॉलर पर आवर तक आप लोग जो है ना वो अर्न कर सकते हो तो सेकेंड सेमेस्टर से आप काम करने के लिए अलाउड हैं जो भी आप लोगों की वीज़ा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो इस वक्त जो स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा कंडीशन है दैट इज योर फोर्टी एट आवर्स पर फोर्ट नाइट तो आप लोगों की जो पेरियड होगी देखिए वो थर्टी होती है इट्स डिपेंड थर्टी से ज़्यादा भी हो सकती है एंड गाइज अगेन की देखो अगर आप वीकेंड पर काम करते हो तो मैंने पहले भी बताया है कि पेरियड जो है ना वो ट्वेंटी फाइव परसेंट या फिफ्टी परसेंट ज़्यादा होती है अगर आप पब्लिक हॉलीडेज पे काम करते हो तो दिस इज ऑलमोस्ट डबल यानी कि अगर थर्टी है आप लोगों की जनरल पे और अगर आप पब्लिक हॉलीडे पे काम कर रहे हो तो आपको मिलेगा सिक्सटी डॉलर पर आवर तो इसीलिए मैंने बोला था कि शुरुआत में जो नर्सिंग की फी है वो पे करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हो ना तो काफी कुछ अमाउंट जो है ना वो आप लोगों के लिए निकालना आसान हो जाता है और देखिए जब सेमेस्टर ब्रेक होता है तब तो आप फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल होते ही हो और जो सेकंड सेमेस्टर से आप लोग काम करना स्टार्ट करते हो ना उसमें क्या होता है कि आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम नहीं कर सकते लेकिन आप एज ए असिस्टेंट जो है ना उस तरह से आप लोग काम करते हो आप लोगों को सारी चीजें यू नो सिखाई जाती है फैमिली कराया जाता है इस टाइम पर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग टू नाइनटी थाउजेंड नर्सेज जो है, है काम कर रहे हैं एज ए नर्स लेकिन इसी सेक्टर में अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये की ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक जो ग्रोथ है दैट इज थर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट यानी इतनी अभी उनकी रिक्वायरमेंट और है इतना अभी जो ग्रोथ है वो इस सेक्टर में और है इसीलिए दिस इज अ वेरी डिमांडिंग और अगर आप लोग ये जॉब करते हैं ये कोर्स चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट और काफी अच्छा होने वाला है एंड गैस देखिए अगर आप नर्स हैं तो आप लोगों के लिए जो जॉब ऑप्शन हैं वो बहुत सारे हैं आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हो आप चाहे तो जीपी के साथ काम कर सकते हो जो जनरल प्रैक्टिशनर है आप चाहे एज केयर में काम कर सकते हो आप एम्बुलेंस सर्विसेज में काम कर सकते हो आप पैथोलॉजी में काम कर सकते हो आप डेंटल सर्विसेज के साथ भी काम कर सकते हो तो आप किसी भी सेक्टर को चूज कर सकते हो और आप कहीं भी काम कर सकते हो सब जगह जो नर्सेज हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है अब अगर गाइस मैं अर्निंग की बात करूं तो बीइंग एन रजिस्टर्ड नर्स आप लोग वीकली लगभग दो हजार डॉलर तक कमा सकते हो एंड रजिस्टर्ड नर्स की इनिशियल जो सैलरी होती है अगर उसकी बात करें तो दैट इज सेवेंटी सिक्स थाउजेंड पर एन एंड वो अप टू फिर देखिए धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है और फिर तो देखिये हंड्रेड और हंड्रेड के से ऊपर भी जो है रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी होती है और पर आर की अगर आप बात करें तो फिफ्टी डॉलर पर आर आप लोगों की नॉर्मल होती है उससे ज्यादा भी हो सकती है देखिए जब आप लोग अपनी यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो अपनी बैचलर्स या मास्टर्स जो भी आप लोग कर रहे हैं उसे कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप लोग सीधा ही एज ए नर्स काम नहीं कर सकते रजिस्टर्ड नर्स आप लोगों को पहले क्या होता है ना लाइसेंस लेना होता है आप लोगों को जो अपना कोर्स uh, है उसको रजिस्टर करना होता है और जो यहाँ पर अथॉरिटी है जो बॉडी है उसका नाम है एफ्रा दिस इज ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी तो इसमें आप लोगों को रजिस्टर करना होता है और फिर आप लोगों को लाइसेंस मिलता है एंड देन यू कैन वर्क एज ए रजिस्टर्ड नर्स इन एनी सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया एंड रजिस्ट्रेशन के साथ साथ देखिए अगर आप एज ए नर्स काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना पुलिस चेक सबमिट करना होता है आप लोगों के पास जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए वर्किंग विथ चिल्ड्रन का वर्किंग विथ वेलनरेबल पीपल का एंड जो आपका वैक्सीनेशन है वो फुल कंप्लीट होना चाहिए यानी कि जो भी यहाँ पर टीके मांगे जाते हैं ना टीबी हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा तो ये सारे जो वैक्सीनेशन है ये भी आप लोगों के प्रॉपर होने चाहिए नाउ गाइज आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो आप कहीं से भी कर सकते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी है यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेट है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है मोनाश यूनिवर्सिटी है डेकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नर्सिंग का कोर्स करवाती हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो जहां से भी आप लोगों को करनी है आप फी चेक कर सकते हो जो भी आप लोगों को फीचर्स चेक करने हैं जहां पर भी आप जाना चाहते हो आप कर सकते हो नर्सिंग का कोर्स नर्सिंग के लिए यूजअली फैब इंटेक होता है जुलाई इंटेक होता है और नवम्बर इंटेक होता है बट यू कैन चेक विद यूनिवर्सिटी अगर उनका कोई और इंटेक भी है तो सो so गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन नर्सिंग के बारे में कि आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से अपनी नर्सिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और फिर कैसे आप जो है ना वो जॉब कर सकते हो सो so गाइज uh, नर्सिंग का कोर्स दिखे करने के बाद जॉब फॉर श्योर आप लोगों की लगी जाएगी मैंने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं सुना है जिसने नर्सिंग करी हो और वो खाली बैठा हो उसकी जॉब ना लगी हो राइट right? एंड नर्सिंग के बाद देखिए आपकी जॉब के बाद आप लोगों का जो स्किल असेसमेंट है वो भी क्विकली हो जाता है एंड फॉर द पी आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स भी कलेक्ट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है काफी कम पॉइंट्स में भी आप लोगों की जो है ना पी आर इजीली आ जाती है अपकमिंग वीडियोज में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने इंडिया से नर्सिंग की है और फिर अगर आप यहाँ पर एज ए नर्स की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसका प्रोसीजर कैसे होता है सो so, आज की वीडियो को करते हैं यही खत्म अगर आप लोगों के कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय